हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इतना कुछ बीत जाने के बाद, इतना कुछ होने के बाद सेकंड मैंने क्या स्टार्ट किया। सेकंड मैंने खुद के ऊपर गूगल करना स्टार्ट किया कि मैंने खुद से गूगल किया कि प्रेगनेंसी के लिए एग का साइज़ कितना होना चाहिए, आपका यूट्रस का शेप कैसा होना चाहिए और हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है एंड ऑल। मैंने ये सब कुछ एक लिस्ट बनाया। फिर जो जो ब्लड टेस्ट था वो मैंने खुद से कराई। मैं खुद पैथोलॉजी जाती थी और अपना जो जो ब्लड रिपोर्ट्स था वो सारा मैं ब्लड रिपोर्ट्स कराई। जितने भी मतलब मैंने गूगल किया, मैं अब किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं करना बंद कर दिया, क्योंकि हर आप कहीं पर भी जाएंगे वो लोग, हर किसी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं तो फिर आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, फिर किसी डॉक्टर के पास दौड़ने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैं वैसे भी मैं फाइनेंशियली अब इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं हर बार एक न्यू डॉक्टर के पास जाऊँ और इतने सारे खर्च करूँ। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया, देन लगभग मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। मेरे AMH नॉर्मल थे, CBC एंड ऑल, थायराइड टेस्ट हुआ था, शुगर टेस्ट हुआ था, सब कुछ नॉर्मल आया था। तो उसके बाद फिर मैंने गूगल किया कि कौन कौन सी सोनोग्राफी करानी चाहिए। देन मैंने फिर से HSG कराया, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाले पूजा मैम के ऊपर भी अब थोड़ा सा बिलीव ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सेकेंड खुद से HSG कराया, फिर मैंने सोनोग्राफी भी कराया। इस बार HSG कराई तो मेरे ट्यूब्स ओपन है करके आए, तो इस बार मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि जब मेरे ट्यूब्स ओपन है तो फिर मैं इतना क्यों दौड़ रही थी इधर उधर करके। यूट्रस का शेप एंड ऑल सब कुछ नॉर्मल था। फिर जब भी मैं एक जमुना पाहुजा करके है, सुपेला पे बैठती हैं, अच्छा है उनका सोनोग्राफी पे मेरे को नो डाउट थोड़ा सा बिलीव तो आया। तो फिर मैं मैम के पास गई, तो मैंने मैम को बोला कि मैम मेरे HSG के रिपोर्ट्स मैंने दिखाया नॉर्मल था एंड ऑल, मेरा सब कुछ बताया कि मैम ऐसा ऐसा हुआ है और इस बार मैं सोनोग्राफी खुद से करा रही हूँ और मुझे ये जानना है मैम कि मेरे यूट्रस में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती करके। देन मैम ने मेरा फॉलिकुलर स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उसके लिए 8th day से उन्होंने बुलाया। तो मैं नॉर्मली बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के नॉर्मल फॉलिक एसिड कंटिन्यू ले रही थी, तो उसे फॉलिक एसिड ही खाया था मैंने। तो 10th day गई तो एग का साइज़ मतलब प्रॉपर ग्रो नहीं किया था। तो फिर मैंने 12th day बुलाया, 16th day, 18th day ऐसा बुलाया। यूजुअली आपको 10, 12 और 14th day ही देखते, बट उन्होंने मेरा एग का साइज़ तो वो बोली कि बेटा तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है बट एग का जो क्वालिटी है मतलब जो प्रॉपर टाइम से बढ़ना चाहिए उस टाइप से वो नहीं बढ़ रहा, तो तुम ओव्यूलेशन बूस्ट करने वाले मेडिसिन लो करके, अदरवाइज़ बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर मैंने यूट्रस का शेप का कहा, तो बोली नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो सोनोग्राफी में कुछ देख नहीं रहा कि तुम्हारे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने एंडोमेट्रियम लेयर के बारे में बताया कि बोली कि एग तो ठीक है, एग तो तुम मेडिसिन लोगे तो प्रॉपर साइज में हो जाएगा, जो तुम्हारा एंडोमेट्रियम लेयर है वो उसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा कम है। तो फिर मैंने पूछा मैम उससे क्या होता है, तो बोली कि जैसे एक पौधे को लगाने के लिए प्रॉपर फर्टाइल लैंड चाहिए, तो लैंड जितना फर्टाइल होगा उस सीडलिंग्स उतनी जल्दी होंगी, तो तुम्हारा जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो प्रॉपर उतने थिकनेस से नहीं बन पा रहा, तो तुमको इन दो चीज़ के लिए मेडिसिन लेना करके। तो मैंने कहा ओके मैम। फिर मैं घर आ गई और उसके बाद मैंने गूगल किया, तो फिर मैंने सीड साइकिलिंग स्टार्ट किया। सीड साइकिलिंग एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं, आप भी ट्राई करो। तो फिर मैंने सीड अभी सोनोग्राफी में PCOD भी आया था साइड में भी, एग का प्रॉपर टाइम से ग्रोथ नहीं करने का रीज़न PCOD ही था। हाँ PCOD ही था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बहुत हो गया मेडिसिन, अब जो भी करना है नेचुरली करना है। तो मैंने सीड साइकिलिंग स्टार्ट किया। फिर एक
डॉक्टर के बारे में पता चला, डॉक्टर नहीं आप कह सकते, जो गांव के जो रहते जिनको बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी का नॉलेज होता है उनके बारे में पता चला। वो भी मेरे कज़िन, इनकी मेरे हस्बैंड की एक कज़िन सिस्टर है, वो भिलाई में रहती हैं, तो वो उस मतलब आयुर्वेदिक वाले जो जड़ी बूटी वाले बाबा है उनके पास से ही ट्रीटमेंट लेके कर सीख किया था, तो उन्होंने हम लोग को बताया। तो मैं बोली ठीक है, ये दुनिया भर के इतने गंदे मेडिसिन खाने से अच्छा है कि हम वहाँ जाते। तो हम लोग फिर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे शिवलिंगी ब्रिज और पुत्रजीवा और ऐसा कुछ कुछ मेडिसिन मुझे एडवाइस किया। और मैं तो PCOD के लिए प्रॉपर उन्होंने कहा कि पहले आपका PCOD ठीक होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कंसीव कर पाएंगे करके। तो फिर मैंने वो लेना स्टार्ट किया PCOD के लिए, सेड साइकिलिंग किया और ये जड़ी बूटी वगैरह खाना स्टार्ट की। तो धीरे धीरे कम से कम हेयर फॉल मेरे बंद हुए, हेल्थ तो गेन कर लिया था, फेस ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, बट अब इस ये सब मैं 2-3 महीने ही ले पाई थी उनसे कि इस बीच लॉकडाउन हो गया। तो अब तो कोई भी मसाले का दुकान नहीं खुला है, ऑनलाइन भी सामान आना बंद। तो फिर ये भी ट्रीटमेंट लगभग लॉकडाउन में, तो समझ लो कि ये जो नेचुरल वे से मैंने अपने की क्योर करने की कोशिश की, वो भी एक समय समझ लो एक हो गया कि अब आपको घर में रहना, आप घर से निकल नहीं सकते हैं। तो फिर मैं बोले अब क्या करना चाहिए करके, तो फिर मैंने गूगल किया। तो फिर अब मैंने अपने एकदम एक परफेक्ट रूटीन बनाना सोचा कि ठीक है सब कुछ हो गया, अब एक रूटीन के साथ अपने लाइफ को फॉलो करते। तो सबसे पहले मैं रोज़ सुबह उठती थी 5 o'clock, मॉर्निंग 5 o'clock में अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए एक बड़े ग्लास में गर्म पानी करती थी, अगर वो उठे रहते थे तो उनको देती थी, अदरवाइज मैं खुद 1 से 1.5 ग्लास पानी पीती थी। देन मैं फ्रेशन अप होके वॉक पे चले जाती थी, तो क्योंकि सुबह पुलिस की गाड़ी आती नहीं है, लोग भी इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, तो फिर मैं सुबह सुबह निकल जाती थी और बढ़िया 1 से 1.5 घंटे 7 बजते बजते मैं मीन्स मैं घर से निकलते निकलते मुझे 5:30 हो जाता था, कभी कभी 5:15। और